सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीबेल वी आर। मैं प्रतीक शर्मा, और लास्ट जो हमने सीआरपीसी को कवर कर लिया था ट्रायल्स के ऊपर, हमने वॉरंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल वगैरह कर लिया था हमने। तो आज जो अपन यहाँ पर हम कंटिन्यू रखेंगे सीआरपीसी को, मैं ख़त्म ही कर दें इसको। तो अब हम यहाँ पर आज टॉपिक कवर करेंगे जजमेंट का, ठीक है जी। तो सीआरपीसी के अंदर जजमेंट का क्या सीन है, और मतलब वैसे तो आपको पता ही है जजमेंट क्या होती है, सीपीसी में भी पढ़ा था, वही सेम चीज़ है, लेकिन फिर भी चलो एक बार सीआरपीसी के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं जजमेंट क्या है। तो वही सेम जो डेफिनेशन में सीपीसी में पढ़ी थी, फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन ट्रायल ईदर कन्विक्टिंग और एक्विटिंग द अक्यूज्ड। थोड़े से वर्ड्स चेंज है, बात वही है कि जो फाइनल डिसीजन होता है कोर्ट का, ईदर एक्विटिंग और कन्विक्टिंग, ठीक है जी। या तो उसे सजा दे दो या उसे छोड़ दो, कन्विक्टिंग एक्विटिंग, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट शैल बी इन रिटन, शैल बी रिटन एंड इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। वही सेम चीज़ है, रिटन में होता है और ये लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट के अंदर होता है, ठीक है जी। अब आते हैं इसके अंदर कंटेंट्स देख लेते हैं, जजमेंट के कंटेंट्स क्या होते हैं। भाई जजमेंट के कंटेंट्स होते हैं, राइटिंग होना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम होना चाहिए, साइन होना चाहिए, रीजन इन डिसीजन होना चाहिए, ओपन कोर्ट में देना होना चाहिए। बेसिक जो चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, कोई समझाने वाले मुझे चीज़ लगती नहीं है। अब देख लेते हैं द सेक्शन पनिशमेंट एक्सेट्रा द ऑफेंसेज इज फॉलिंग अंडर दिस। हाँ, सेक्शन होना चाहिए, ठीक है, पनिशमेंट का लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर दो सेक्शन के अंदर आ रहा है ऑफेंस, तो उस केस में वो पूरी चीज़ बताएगी ये दो सेक्शन के अंदर आ रहा है ऑफेंस। इफ़ द ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ देन स्पेशल रीजन मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द जज। तो अगर डेथ पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो उसके अंदर स्पेशल रीजन्स लिखे जाएंगे। और व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ द सेंटेंस मस्ट डायरेक्ट दैट ही शी बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही शी इज डेड। तो वही सेम चीज़ हो गई कि अगर डेथ वाला है अपना, फांसी की सजा है, तो उस केस में क्या लाइन होनी चाहिए, दैट ही और शी बी हैंग्ड बाय द नेक, बाय द नेक टिल ही शी इज डेड, टिल जब तक वो मर ना जाए। तो गले में मतलब वो करते हैं ना उस चीज़ से। और चीज़ें आपकी बुक में लिखी होंगी वो सारी चीज़, ये दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब देख लेते हैं इसके अंदर सप्लाई ऑफ कॉपी होता है जजमेंट के अंदर। ऑब्वियसली बात है, कॉपी जो है जजमेंट की वो अक्यूज को दी जाएगी, पर्सन अफेक्टेड कोई भी इफेक्ट हो रहा उसको दी जाएगी, कोई अदर पर्सन को दी जाएगी अगर ज़रूरी है, टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी और फॉर रिकॉर्ड रखी जाएगी। पाँच चीज़ों में इसकी कॉपी बटती है। ये था छोटा सा हमारे जजमेंट का टॉपिक, ठीक है। अब आता है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कन्फर्मेशन। अब आता है हमारा डेथ सेंटेंस की बात, कि डेथ सेंटेंस कैसे दी जाती है, ध्यान से समझना। यहाँ है सेक्शन 366। सेक्शन 366 सीआरपीसी का कह क्या रहा है कि अगर तो सेशन कोर्ट जो होती है, अगर तो उसने डेथ सेंटेंस दी है, ऑर्डर करा है, तो वो जो है कन्फर्म करेगा हाई कोर्ट, या करेगी हाई कोर्ट, कुछ भी आप बोलेंगे, स्त्रीलिंग का सीन होता है। तो कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर इसने दिया है डेथ सेंटेंस का, तो उसे कंफर्म करेगी हाई कोर्ट, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है जी। सो व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेस डेथ सेंटेंस प्रोसीडिंग शैल बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट एंड द सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। क्लियर है 366 सेक्शन। फिर आता है सेक्शन 367, पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड इन एडिशन एविडेंस टू बी टेकन। तो वही सेम चीज़ है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि अगर उसे लगता है कि भैया यार ये गड़बड़ है, इसमें डेथ सेंटेंस होने नहीं चाहिए, तो कुछ फर्दर इंक्वायरी करो, हमें डाउट लग रही है कि इसके पता नहीं इतनी बड़ी सजा देनी नहीं चाहिए, तो हाई कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। 368 के अंदर क्या है सेक्शन, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म सेंटेंस और एम्यूल ए कन्विक्शन, ठीक है। तो कन्फर्म कर दे या उसको रोक लगा दे, छुड़वा दे, पोस्टपोन कर दे, तो उसके ऊपर या तो मैं कन्फर्म दी सेंटेंस हाई कोर्ट के पास, या फिर जो है वो रुकवा सकती है, या फिर उसे छोड़ सकती है कोई और ऑफेंस को करने के, मतलब बेसिकली उसको डेथ सेंटेंस ना देकर कोई और ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर सकती है। तो ये हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है, वाइड पावर है बहुत बड़ी, ठीक है। और मे अक्यूट द अक्यूज्ड, ये भी इसके हाई कोर्ट के पास है कि वो उसे छोड़ दे बिल्कुल, कि भाई जा ऐश कर, ठीक है। सेक्शन 369 का है, कन्फर्मेशन और न्यू सेंटेंस्ड बाय दिस टू बी साइंड बाय टू जजेस। हाँ, अगर कोई नया कुछ निकल के आ रहा है कि भाई हाँ डेथ सेंटेंस नहीं है, या फिर कुछ और है, या फिर कोई और सजा है या कुछ है, तो उसके अंदर दो जजेस के साइन जरूरी हैं, ठीक है। एटलीस्ट टू जजेस के साइन होने चाहिए कि हाँ भाई हम जो है कन्फर्म कर रहे हैं हाई कोर्ट। सेक्शन 370 का कह रहा है, प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो उसके अंदर अगर ओपिनियंस अलग है जजेस के, जैसे दो का है या तीन जजेस हैं, उन सब के अलग अलग आ रहे हैं, तो उस केस में जो भी लिखा होगा प्रोवाइडेड बाय द सेक्शन 392 उसके अकॉर्डिंग जो है हो जाएगा, ठीक है। ये तो था बेसिक कंसेप्ट हमारे उसका, कि भाई कैसे होगा, कोर्ट ऑफ सेशन ने ये करा, उसके ऊपर फिर हाई कोर्ट की पावर है, वो छोड़ भी सकती है, उसको एक्सेप्ट भी कर, वो कर भी, कन्फर्म कर दे कि हाँ कर, एग्जीक्यूट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन होगा क्या और होगा कैसे, वो हमारा है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस के अंदर, ठीक है। ये तो था कि अभी हमने कन्फर्म कराया,
अब हम उसे एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूट ऑफ सेंटेंसेस के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं डेथ सेंटेंस को, ठीक है। डेथ सेंटेंस कह रहा है वारंट फॉर एग्जीक्यूशन। अब भाई जैसे आपको पता है, पीछे मैंने बता दिया कि कोर्ट ऑफ सेशन अगर कर रही है तो वो पहले हाईकोर्ट के पास भेजेगी कन्फर्म करने के लिए कि हाँ भाई तुम कन्फर्म करते हो कि ये डेथ सेंटेंस हम करें या ना करें, ठीक है। सो डेथ पेनल्टी इम्पोज बाय द कोर्ट ऑफ सेशन कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट और डेथ पेनल्टी इज इम्पोज बाय द हाई कोर्ट इन अपील और रिवीजन, द कोर्ट ऑफ सेशन विल कैरी आउट द सेड ऑर्डर बाय द इशूइंग ऑफ अ वारंट और टेकिंग सच अदर स्टेप्स एज मे बी नेसेसरी। अगर हाई कोर्ट ने कन्फर्म कर दिया है डेथ सेंटेंस, या फिर अगर तुम अपील में भी गए हो या रिवीजन में भी गए हो, किसी में भी गए हो, हाई कोर्ट ने तुम्हारा कन्फर्म कर दिया डेथ सेंटेंस, तो जो है कोर्ट ऑफ सेशन जो है एक वारंट पास कर देगा, क्या डेथ का, ठीक है जी, कि इसको जो है हैंग टिल द नेक वो वाली का लाइन करके। हु मे इशू वारंट, कौन कर सकता है, ईदर बाय द जज और मैजिस्ट्रेट हु हैज पास्ड द सेंटेंस और बाय हिज सक्सेसर, ठीक है। या तो जिस जज या मैजिस्ट्रेट ने करा है पास वो कर दे उसको वारंट बना के उसको एग्जीक्यूट, या फिर जो है उसका सक्सेसर अगर वो चला गया या कुछ हो गया तो उसके नीचे जो आया। फॉर्म नंबर क्या होता है जी, इसका होता है डेथ सेंटेंस का फॉर्म नंबर 42, ठीक है, फॉर्म नंबर 42। पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 415 से 416 सेक्शन, दो सेक्शन आते हैं इसके अंदर। पोस्टपोनमेंट में कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो चाहे तो उसे पोस्टपोन कर दे, हमने पीछे भी पढ़ लिया, ये वही सेम चीज़ है। अब पोस्टपोन करेगा कहाँ का वो सुनो, इन द केस ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाए, ठीक है, या फिर इन द केस वेयर कन्विक्ट मेक एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर 132 आर्टिकल और 134 का 1 का सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद है 132 का हमने पढ़ा था, 132 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल SLP के बारे में, स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में, ठीक है। तो या फिर 136 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में वो जाकर कर सकता है, तो उस केस में बेसिकली पोस्टपोन हो गई है, ठीक है। और या फिर वेयर वुमेन फाउंड टू बी प्रेग्नेंट हाई कोर्ट शैल कम्यूट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो वही चीज़ है कि वो डेथ पेनल्टी को चेंज करके इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी कर सकते हैं अगर कोई लड़की है या कुछ प्रेग्नेंट वगैरह वाला सीन है तो, क्योंकि अब इसी बात है बच्चे को संभालने वाला अगर नहीं है तो फिर क्या ही करें। ये तो था हमारा डेथ पेनल्टी का, अब आता है इम्प्रिजनमेंट का। इम्प्रिजनमेंट में क्या है, वारंट फॉर एग्जीक्यूशन, वही सेम चीज़। इम्प्रिजनमेंट में देखो ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है, आपको समझो इस चीज़ को क्लियर रखना कि अगर डेथ सेंटेंस है तो उस केस के अंदर जो है आपको कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर करा है तो उसको कन्फर्म करेगी हाई कोर्ट, लेकिन इम्प्रिजनमेंट जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसको आप कह सकते हो वो जो है कोर्ट ऑफ सेशन खुद कर सकती है। सो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और पर्टिकुलर पीरियड, दोनों केस में द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस विल फोरफिट फॉरवर्ड अ वारंट टू द जेल और टू द अदर प्लेस इन विच द अक्यूज्ड इज और टू बी कन्फाइंड। तो वही चीज़ है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोर्ट ऑफ सेशन को कन्फर्म कराना है हाई कोर्ट से या कुछ ऐसा, तो अगर इम्प्रिजनमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो खुद भी करके सीधा जेल अथॉरिटीज़ को एक वारंट पास कर सकते हैं। हु मे इशू वारंट, सेम एज अबव है, या तो जिसने जज या मजिस्ट्रेट जिसने पास कराया या फिर जो है उसके सक्सेसर, तो वही चीज़ है, ठीक है। ये था जी हमारा, मेरे ख्याल से हो गया ये, हाँ, डेथ सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट के ऊपर पूरा। तो डेथ सेंटेंस आपको समझ आ गया क्या है और उसके ऊपर इनका एग्जीक्यूशन भी समझ आ गया। तो देखो कुछ नहीं है, रटो मत इस चीज़ को, समझो पहले, समझो उसके बाद तो रटना, तो ऑब्वियस बात है सेक्शन पड़ेगा ही, कुछ नहीं है। कोर्ट ऑफ सेशन जो है अगर पास कर रही है डेथ सेंटेंस, ठीक है, तो उसको कन्फर्म कराना होगा हाई कोर्ट से, सिंपल। और हाई कोर्ट के पास बहुत वाइड पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, वो उसे एक्विट कर दे, उसे छोड़ दे, उसकी सजा कम कर दे, कुछ कर दे, वो हाई कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट मजबूरन पोस्टपोन करना पड़ता है, किस केस में भाई, SLP के केस में, स्पेशल लीव पटिशन अगर डाल दी या अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 132 और 136 के अंदर SLP डाल दी कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो देख सकते हो 132 और 136 क्या है आर्टिकल। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक, इसको याद रखो कि डेथ के अंदर जो है उसको कराना पड़ता है, और अगर वैसे कोई इम्प्रिजनमेंट है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या फिर इम्प्रिजनमेंट भी है तो वो अपना कोर्ट ऑफ सेशन खुद ही कर सकती है, उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के पास जाकर भाई हाँ जी परमिशन दे दो हम इसको कर दें, ठीक है। यहाँ पर वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन, हमने कहा था ना वारंट जो है सीरियस केसेस के अंदर यूज़ होता है, समन जो है नॉर्मल केसेस के अंदर, तो डेथ वारंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वारंट, तो ये वारंट पास होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही था हमारा आज का, बाकी और फर्दर देखते कौन कौन से सब्जेक्ट्स और निपटाते हैं या और इसके अंदर देखते क्या क्या टॉपिक्स है। चलो जी यही था इस वीडियो में, बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देख लिया करो, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, अपना कॉल मी फॉर ऐप का लिंक है सबसे पहला, तो जिससे आप कॉल करके मुझे सीधा बात कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे, वो देख सकते हो, हैंडल में यही बताया था, ANDRO_GUY, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दिया करो यार, क्योंकि इंस्टाग्राम में क्या है कि जैसे अगर आप मुझे मैसेज करोगे एकदम मेरे पास नहीं आता, मेरे पास पहले रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट को क्लिक करके मुझे देखना होता है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, तो वो चीज़ है।
ठीक है, ये था। बाकी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सजेशन है, कुछ भी है तो बिल्कुल आप लोगों के लिए कमेंट यूट्यूब ने दिया हुआ है वहाँ पर लिखे कमेंट, आप बताइए मेरे को। और बाकी लाइक तो यार आप कर ही रहे हो, नहीं कर रहे, एक काम करो अभी कर दो ताकि बाद में भूल मत जाना। बाकी सब्सक्राइब बटन अगर आपको रेड दिख रहा है तो उसको ग्रे करना बहुत मैंडेटरी, ग्रे कर लो उसको, ठीक है। और जो है अपना उसके साथ बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन मेरी आपके पास आ जाए, ठीक है जी। चलो जी, यही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी बाय, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय या। और हाँ, टेक केयर भाई, कोरोना।